सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म जेलर ने भारत में 300 करोड़ रुपए की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है और दुनिया भर में यह 600 करोड़ रुपए की क्लब की ओर बढ़ रही है। फैंस के साथ साथ रजनीकांत भी अपनी इस फिल्म की सफलता से खुश हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी इस फिल्म का जश्न मनाया। जेलर साल 2023 की तमिल सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। इसने पोन्नियिन सेल्वन 2 को भी पीछे छोड़ दिया है। वही रजनीकांत की जेलर की सफलता का जश्न मनाने वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। इन्हें फिल्म टेड एनालिस्ट मनोबाला विजय बालन ने ट्विटर पर शेयर किया था। तस्वीर देखते ही फैंस ने ताबड़तोड़ कमेंट्स करने शुरू कर दिए। रजनीकांत ने फिल्म की अपार सफलता के लिए सभी का धन्यवाद किया और तहे दिल से आभार व्यक्त किया। बता दें कि फिल्म जेलर की रिलीज से एक दिन पहले रजनीकांत केदारनाथ में आशीर्वाद लेने के लिए हिमालय के लिए रवाना हुए थे। इसके बाद एक्टर राजरप्पा मंदिर के दर्शन के लिए रांची पहुंचे थे। अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा के दौरान रजनीकांत ने झारखंड के राज्यपाल राधा कृष्णन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित अन्य लोगों से भी मुलाकात की। जेलर के कलेक्शन की बात करें तो जहां इसने देश भर में 17 दिनों में 302.2 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, तो वहीं वर्ल्ड वाइड में यह 600 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने की कगार पर है। रजनीकांत के अलावा जेलर में रम्या कृष्णन, तमन्ना भाटिया, विनायकन और योगी बाबू नजर आए हैं।